Hello friends, at last we discuss on Mohenjo-daro in which we discuss roads. Roads of Mohenjo-daro. उनके roads कैसे थे ध्यान से देखना. ये बड़े road, major one मतलब large road और small. यही जो लार्ज रोड थे वो 9.75 मीटर वाइड, 9.75 मीटर वाइड. और ये छोटे रास्ते मिड राइट एंगल, यही स्मॉल लिंक रोड ज्वाइन मेजर वन मतलब मेन रास्ते को ये ज्वाइन होते थे एट द राइट एंगल. सो एंटायर सिटी डिवाइडेड इनटू स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. इसीलिए आपको पूरी सिटी कैसी दिखती थी, स्क्वायर या तो रेक्टेंगल, ऐसी पूरी सिटी दिखती थी. एक साथ में ये रोड जो थे, यही रोड या यही रोड ऑफ मोहनजोदड़ो वर बिल्ट इन सच वे, वो ऐसे बने थे दैट नंबर ऑफ व्हीकल्स कैन बी पास एट अ टाइम. मतलब एक साथ में काफी व्हीकल पास होते थे. ऐसे दो टाइप के रास्ते थे. वन जाते थे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट या तो वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे दो टाइप के वो रास्ते बनाते थे. मेन उनके दो रोड थे, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट. दूसरी मजेदार चीज, यही रोड्स पे देयर वर माइट हैव बीन पिट्स एट इक्वल डिस्टेंस, पिट खड्डे. और यही जो पिट्स होते थे एट इक्वल डिस्टेंस, इट सजेस्ट माइट हैव बीन यूज लैम्प पोस्ट. वो लोग शायद लैम्प पोस्ट यूज करते होंगे, ऐसा वो इंडिकेट करते थे. दूसरा, यही रोड्स ऑफ मोहनजोदड़ो बिल्ट इन सच अ वे, वो ऐसे बने थे दैट विंड कूड स्वीप द डस्ट फ्रॉम द रोड. मतलब विंड मतलब हवा, यही विंड कूड स्वीप द डस्ट फ्रॉम द रोड्स. ऐसे रोड बने थे कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में. कहाँ पे रोड बने ऐसे, मोहनजोदड़ो में. कैसे रोड बने ध्यान से देखना. यही जो रोड्स ऑफ मोहनजोदड़ो, उनके रोड्स कैसे थे, तो यही द रोड्स वर 9.75 मीटर वाइड. कितने चौड़े थे, 9.7 मीटर वाइड, मतलब चौड़ाई में कितना, 9.75 मीटर. ये उनकी चौड़ाई. देयर वर मेनली कितने रोड, दो रोड थे. देयर वर मेन टू रोड थे, वन वॉज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और सेकंड वेस्ट टू ईस्ट. तो देयर वर मेन टू रोड्स. कितने रोड्स थे, दो रोड्स थे. उसमें वन वॉज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड अदर वॉज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. मतलब एक नॉर्थ टू साउथ और दूसरा ईस्ट टू वेस्ट. दूसरा, ये जो छोटे रास्ते थे, यही स्मॉल लिंक रोड ज्वाइन मेजर वन मतलब मेन रास्ते को वो मिलते थे एट द राइट एंगल. सो एंटायर सिटी डिवाइडेड इनटू स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. यही जो स्मॉल लिंक रोड, कौन से स्मॉल लिंक रोड, यही स्मॉल लिंक रोड ज्वाइन मेजर वन एट अ राइट एंगल मतलब राइट एंगल पे मिलते थे, राइट एंगल पे. इसीलिए एंटायर सिटी कैसी दिखती थी, सो एंटायर सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. ऐसी आपको पूरी सिटी दिखती थी, ये पता चला. दूसरा, यही रोड्स
तो यही था रोड जो मोहनजोदड़ो, यही रोड जो मोहनजोदड़ो, यही रोड जो मोहनजोदड़ो वर बिल्ट इन सच अ वे, वर बिल्ट इन सच अ वे, बिल्ट इन सच अ वे, ऐसे बने थे दैट नंबर ऑफ व्हीकल, बोलो दैट नंबर ऑफ व्हीकल कुड बी, नंबर ऑफ व्हीकल्स कुड बी इजीली पास, कुड बी इजीली पास, कुड बी इजीली पास एट अ टाइम, एट अ टाइम मतलब एक ही टाइम पे नंबर ऑफ व्हीकल कैन बी इजीली पास, नंबर ऑफ व्हीकल कैन बी इजीली पास। दूसरा, यही रोड ऐसे बने थे, कहाँ के रोड, यही रोड जो बोलो मोहनजोदड़ो, यही रोड जो मोहनजोदड़ो वर बिल्ट, वर बिल्ट इन सच अ वे, ऐसे बने थे दैट, बिल्ट इन सच अ वे दैट विंड कुड स्वीप, दैट विंड कुड स्वीप द डस्ट, विंड कुड स्वीप द डस्ट फ्रॉम द रोड्स, फ्रॉम द रोड्स मतलब रोड में से विंड, विंड की वजह से जो डस्ट होता है, विंड की वजह से जो डस्ट होता है, तो यही वो रोड से स्ट्रेट रास्ते थे, मतलब उनके रास्ते से स्ट्रेट दिखते थे। तो विंड यही रोड जो मोहनजोदड़ो वर बिल्ट इन सच अ वे दैट दैट विंड कुड स्वीप द डस्ट फ्रॉम द रोड, मतलब हवा जो डस्ट होता था, कचरा वचरा, उसको रास्ते से बाहर निकाल देता था, ये पता चला। दूसरा, पिट्स वहां के, पिट्स ऑन साइड, पिट्स ऑन द, पिट्स ऑन द साइड, पिट्स ऑन द साइड ऑफ रोड, साइड ऑफ रोड इंडिकेट, क्या इंडिकेट करते थे, इंडिकेट दैट माइट हैव बीन फैसिलिटी ऑफ, बोलो माइट हैव बीन फैसिलिटी ऑफ लैंड पोस्ट, माइट हैव बीन फैसिलिटीज ऑफ, बोलो ऑफ अ लैंड पोस्ट, ऑफ अ लैंड पोस्ट। तो इसी का नाम क्या बोलते हैं, इसी का नाम बोलते हैं रोड जो मोहनजोदड़ो, रोड जो मोहनजोदड़ो। जैसे रोड्स वैसा नंबर थ्री, उनका पब्लिक बाथ, रोड्स के बाद आएगा उनका पब्लिक बाथ, पब्लिक बाथ, पब्लिक बाथ मतलब बाथरूम, बड़ा सा पब्लिक बाथ था मोहनजोदड़ो में, से बड़ा सा एक पब्लिक बाथ मिला। जो पब्लिक बाथ मिला उसकी लेंथ 54.90 मीटर थी और ब्रेथ 33.80 मीटर। और ड्यूरिंग एक्सकेवेशन मतलब खुदाई के दौरान जब भी ये पब्लिक बाथ मिला, तो पब्लिक बाथ में क्या फैसिलिटी थी, टू पुट फ्रेश वाटर इन मतलब फ्रेश वाटर अंदर आए एंड डर्टी वाटर आउट, मतलब फ्रेश वाटर अंदर आए और गंदा पानी मतलब डर्टी वाटर बाहर पे चला जाए, ऐसी इनमें फैसिलिटी थ्री, ऐसी उनमें क्या थी, फैसिलिटी थ्री। दूसरा, छोटे छोटे रूम थे, स्मॉल रूम फॉर चेंजिंग क्लोथ, ऑल्सो फैसिलिटी या अरेंजमेंट ऑफ हॉट वाटर, गर्म पानी की भी उस टाइम पे उनमें फैसिलिटी थी। अब इतना बड़ा पब्लिक बाथ बनाया उन्होंने, तो यूज कब करते थे लोग, माइट हैव बीन यूज ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनी या फेस्टिवल्स, जब उनका कोई फेस्टिवल आता था तो एक साथ में काफी लोग एक साथ में बाथिंग कर सके, स्नान कर सके, इसीलिए ऐसे बड़े ये लोग बनाते थे पब्लिक बाथ। तो ड्यूरिंग एक्सकेवेशन क्या मिला, बड़ा सा पब्लिक बाथ। तो ध्यान से देखो, अ यूज पब्लिक बाथ, अ यूज पब्लिक बाथ, बड़ा सा पब्लिक बाथ वॉज फाउंड एट मोहनजो, एट बोलो एट मोहनजोदड़ो ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, ड्यूरिंग ड्यूरिंग एक्सकेवेशन मतलब खुदाई के दौरान बड़ा सा क्या मिला, बड़ा सा मिला पब्लिक बाथ।
इट्स लेंथ, इट्स एवरेज, बोलो, इट्स एवरेज लेंथ, उसकी एवरेज लेंथ इज अबाउट, इट्स एवरेज लेंथ वॉज अबाउट 54.80 मीटर. लेंथ कितनी? 54.80 मीटर. एंड 33.90 मीटर ऑफ इट्स ब्रेथ, ऑफ इट्स ब्रेथ मतलब वेट, ऑफ इट्स वेट मतलब उसकी चौड़ाई कितनी? 33.90. और लेंथ कितनी? 54.80. अब इतना बड़ा पब्लिक बाथ उन लोगों ने बनाया, तो यही पब्लिक बाथ में फैसिलिटी क्या थी? यही पब्लिक बाथ में कौन सी फैसिलिटी थी? समझना बराबर. यही पब्लिक बाथ में कौन सी फैसिलिटी थी? पहली फैसिलिटी पता चला. पहली फैसिलिटी, देयर वॉज एन अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट था उनके पास. देयर वॉज एन प्रॉपर, देयर वॉज अ, बोलो, देयर वॉज अ प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट उनके पास. प्रॉपर क्या था? अरेंजमेंट था. कौन सा अरेंजमेंट? टू पुट फ्रेश वाटर इन, टू पुट फ्रेश वाटर, टू पुट फ्रेश वाटर इन मतलब फ्रेश वाटर अंदर लाने के लिए. एंड बोलो डर्टी वाटर आउट, एंड डर्टी वाटर आउट मतलब फ्रेश पानी अंदर आए और डर्टी वाटर बाहर पे जाए. ये पता चला. देयर माइट हैव बीन फैसिलिटी, वहां पे दूसरी भी फैसिलिटी थी. देयर माइट हैव बीन, देयर माइट हैव बीन फैसिलिटी ऑफ हॉट वाटर. कौन से पानी की फैसिलिटी? ऑफ हॉट वाटर. माइट हैव बीन फैसिलिटी ऑफ हॉट वाटर. एंड रूम थे, सेपरेट रूम थे, स्मॉल सेपरेट रूम एंड स्मॉल सेपरेट रूम्स फॉर बोलो चेंजिंग क्लोथ, फॉर चेंजिंग क्लोथ्स मतलब कपड़े बदलने के लिए क्या थे? अलग अलग सेपरेट क्या थे वहां पे? रूम थे. और यही पब्लिक बात माइट हैव बीन यूज, यही पीपल ऑफ मोहनजोदड़ो, यही पीपल ऑफ मोहनजोदड़ो माइट हैव बीन यूज, यही पीपल ऑफ मोहनजोदड़ो माइट हैव बीन यूज पब्लिक बात या जो बोलो माइट हैव बीन यूज, यूज इट्स ड्यूरिंग बोलो ड्यूरिंग फेस्टिवल्स मतलब जब उनका कोई फेस्टिवल होता था तो इतना बड़ा सा बाथरूम यूज करते थे. फेस्टिवल या तो रिलीजियस सेरेमनी, फेस्टिवल एंड रिलीजियस सेरेमनीज. तो ये था उनका बड़ा सा क्या था? बाथरूम था जो एक्सकेवेशन के दौरान मिला, एक्सकेवेशन के दौरान मिला. इसके बाद आएगा नंबर 4, ड्रेनेज सिस्टम. कौन से सिस्टम? ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम. नाउ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मोहनजोदड़ो, ड्रेनेज सिस्टम में क्या था? ये उनका हाउस, बराबर देखना पहले. ये उनका हाउस, हाउस में ऐसा एक था सेस्पिट, कोने में सेस्पिट. सेस्पिट समझ में आता है, हम लोग खड़कुआ बोलते हैं, नहीं वो डर्टी वाटर गंदा पानी जाता है गटर के वाला. ड्रेनेज सिस्टम मतलब गटर. तो यही सेस्पिट, यही जो सेस्पिट था, इस हाउस हैड सेस्पिट, हर एक मकान के अंदर सेस्पिट था. यही सेस्पिट ज्वाइन विथ स्मॉल ड्रेनेज सिस्टम या स्मॉल सीवेज पाइप, और इट कनेक्ट या ज्वाइन विथ लार्ज सीवेज पाइप. वेन दिस सेस्पिट वॉज फिल्ड विथ वाटर, जब ये सेस्पिट फिल्ड विथ वाटर मतलब सेस्पिट मतलब वो खाल कुआ जो होता है वो जब पानी से भर जाएगा,
एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर ऑटोमेटिकली ड्रेन इनटू लार्ज गटर या लार्ज सीवेज या लार्ज ड्रेनेज पाइप थ्रू स्मॉल वन एंड फ्रॉम दैट आउट ऑफ सिटी, और वहां से सिटी के बाहर पानी जाता था। दूसरा, मैनहोल विद लीड एट इक्वल डिस्टेंस, जैसे रोड्स पे क्या थे पिट्स एट इक्वल डिस्टेंस, वैसे यहाँ पे क्या मैनहोल विद लीड्स, मैनहोल ढक्कन, गटर के ढक्कन, तो वही मैनहोल विद लीड्स एट इक्वल डिस्टेंस। इट्स व्हेन गटर शुड बी रिक्वायर क्लीन, जब आपको गटर साफ करनी है तो यही मैनहोल विद लीड माइट हैव बीन ओपन बाय पीपल ऑफ मोहनजोदड़ो व्हेन गटर रिक्वायर क्लीन, जब उनकी गटर लगता है उनको कि गटर साफ करने की बारी आई है। ऐसी गटर या ऐसी ड्रेनेज सिस्टम नोवेयर फाउंड एक्सेप्ट क्रीट आइलैंड इन मेडिटेरेनियन सी, मतलब ऐसी गटर सिस्टम दुनिया में कोई जगह पे देखने को मिलती नहीं है एक्सेप्ट मेडिटेरेनियन सी। तो यही जो ड्रेनेज सिस्टम है, कौन सी ड्रेनेज सिस्टम, मोहनजोदड़ो की, तो यही ड्रेनेज सिस्टम ऑफ, यही ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बोलो मोहनजोदड़ो वॉज यूनिक फीचर, वॉज अ यूनिक फीचर, यूनिक फीचर। ये ड्रेनेज सिस्टम में क्या था पता चला, हर एक हाउस के अंदर क्या था सेसपिट, समझना बराबर भाई। ईच हाउस हैड अ, बोलो ईच हाउस हैड अ सेसपिट, क्या था ईच हाउस हैड अ सेसपिट, इट कनेक्ट विथ या जॉइन विथ, बोलो इट कनेक्टेड विथ, कनेक्टेड विथ लार्ज सीवेज पाइप, लार्ज सीवेज पाइप थ्रू थ्रू स्मॉल वन, मतलब छोटी गटर के थ्रू बड़ी गटर के साथ ये ज्वाइन थी। व्हेन दिस सेसपिट वॉज फिल विद वाटर, व्हेन दिस सेसपिट वॉज फिल विद, बोलो सेसपिट वॉज फिल विद वाटर, फिल विद वाटर, मतलब जब ये सेसपिट पानी से भर जाएगा देन एक्सेस वाटर, then excess water automatically drain, समझ में आया, drain into large drainage pipe या large sewage pipe जो भी लिखना है, large drainage pipe and from that वहां से कहां पे जाएगा वो out of city, from that इट ड्रेन इंटू आउट ऑफ, बोलो इन ड्रेन इंटू आउट ऑफ सिटी, इन ड्रेन या ड्रेन या तो फिर डिस्पोज, ड्रेन या तो डिस्पोज जो भी आपको समझ में आता है वो, ड्रेन डर्टी वाटर इट ड्रेन, बाद में मतलब यही लास्ट पाइप में आया एंड फ्रॉम दैट इट, बोलो इट ड्रेन आउट फ्रॉम सिटी, drain out from city, out from city, मतलब वो सिटी के बाहर चला जाता था, सिटी के बाहर चला जाता था, मतलब सेसपिट वॉज, when सेसपिट वॉज फिल विद वॉटर, मतलब जब सेसपिट पानी से भर जाता था तो then excess water automatically drain into large pipe through small one and from large pipe out it drain out from city, मतलब सिटी से बाहर चला जाता था, ये पता चला। दूसरा, देयर वॉज अ मैनहोल विथ लीड, देयर वॉज अ मैनहोल, क्या नाम, देयर वॉज अ मैनहोल विथ लीड एट इक्वल डिस्टेंस, एट इक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे क्या थे मैनहोल विथ लीड, और यही विच वर विच माइट हैव बीन, which might have been open, which might have been open, जिसको खोला जाता था when gutter, when बोलो when drainage system required, बोलो when drainage system
रिक्वायर बोलो, रेने सिस्टर रिक्वायर क्लीन। जब आपको लगे कि भाई ड्रेनेज सिस्टम को साफ करना है तो आप इजीली ऐसे साफ कर सकते थे। और ऐसी सच ड्रेनेज सिस्टम वॉज नो वेयर फाउंड एक्सेप्ट, कौन सा बोलो, ऐसी सच ड्रेनेज सिस्टम, सच ड्रेनेज सिस्टम, ऐसी ड्रेनेज सिस्टम वॉज फाउंड नो वेयर, वॉज फाउंड नो वेयर, किसी दूसरी जगह पे देखने को मिलते नहीं है। नोवेयर एक्सेप्ट बोलो, एक्सेप्ट क्रीट आइलैंड, क्या नाम है, क्रीट, एग्जाम एमसीक्यू आएगा, क्रीट आइलैंड ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ऑफ मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, पता चला। उसके अलावा दूसरी कोई जगह पे ऐसी ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलती नहीं है। और ये लोग अपने मैनहोल विद लिड एट इक्वल डिस्टेंस व्हिच माइट हैव बीन ओपन व्हेन ड्रेनेज सिस्टम रिक्वायर क्लीन, इट इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स दैट, क्या इंडिकेट करता है कि दैट, यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, दैट पीपल ऑफ मोहनजोदड़ो, दैट पीपल ऑफ मोहनजोदड़ो, पीपल ऑफ मोहनजोदड़ो हाउ टेक केयर अबाउट देयर हेल्थ एंड हाइजीन, हाउ टेक केयर, हाउ टेक केयर अबाउट देयर, बोलो अबाउट देयर हेल्थ एंड हाइजीन, अबाउट देयर हेल्थ एंड हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन। तो इसी का नाम रखा गया है ड्रेनेज सिस्टम। पता चला हर एक मकान में क्या था, सेस पिट, इट कनेक्ट विद लार्ज सीवेज पाइप थ्रू स्मॉल वन, बट व्हेन सेस पिट, व्हेन दिस सेस पिट वाज फिल्ड विद वाटर देन एक्सेस वाटर ऑटोमेटिकली ड्रेन इनटू लार्ज सीवेज पाइप थ्रू स्मॉल वन एंड फ्रॉम दैट आउट फ्रॉम सिटी, वहां से सिटी के बाहर। बाद में क्या था, इक्वल डिस्टेंस पे मैनहोल विद लिड, मतलब गटर के ढक्कन थे, विच माइट हैव बीन यूज्ड, विच माइट हैव बीन ओपन बाय पीपल ऑफ मोहनजोदड़ो व्हेन ड्रेनेज सिस्टम या गटर या सीवेज पाइप रिक्वायर क्लीन, जब उनको साफ करना है तो लोग इसको क्या करेंगे, करेंगे। तो इसी का नाम है ड्रेनेज सिस्टम। उसी के बाद, उसी के बाद नंबर आएगा फोर के बाद फाइव, फोर के बाद आएगा नंबर, फोर के बाद आएगा नंबर फाइव, नाम है पब्लिक बिल्डिंग, क्या नाम, पब्लिक बिल्डिंग, बराबर देखना, पब्लिक बिल्डिंग। भाई दो बड़े बिल्डिंग मिले कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में से दो बड़े बिल्डिंग मिले, उसमें से एक जो था वो माइट हैव बीन यूज एज अ हॉल या थिएटर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, थिएटर उस जमाने में थिएटर सोचिए, और जो अदर मतलब जो दूसरा बिल्डिंग था, यही दो बड़े से ड्यूरिंग एक्सकेवेशन मतलब जब खुदाई की तो जो ह्यूज बिल्डिंग वर फाउंड, बड़े से रून ना रून, टूटे फूटे रून बिल्डिंग वर फाउंड, मतलब टूटे फूटे दो बिल्डिंग मिले, उसमें से वन आउट ऑफ विच वन वॉज यूज माइट हैव बीन यूज एज अ ग्रेनरी या तो हॉल या तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस या तो थिएटर, ऐसे वो लोग यूज करते थे। एंड सेकंड जो था वो बैरक, 20 बैरक ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर नहीं होते सैनिक लोग, वो बैरक में रहते हैं, बैरक क्या बोलते हो, टेंट, टेंट, हाँ, तो ऐसे एक बैरक मिली थी, ऐसे दो बिल्डिंग मिले थे कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। ड्यूरिंग एक्सकेवेशन मतलब खुदाई के दौरान, बराबर देखना, ड्यूरिंग एक्सकेवेशन देयर वर कितने बोलो, देयर वर टू रून बिल्डिंग वर फाउंड, टू रून बिल्डिंग्स वर फाउंड फ्रॉम, बोलो फ्रॉम मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो में से कितने बिल्डिंग मिले, दो, आउट ऑफ विच उसमें से एक बोलो किसमें यूज होता था, आउट ऑफ विच वन माइट हैव बीन यूज, वन
माइट हैव बीन यूज एज अ बोलो एज अ थिएटर, उस जमाने में थिएटर या तो हॉल या तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस या तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस या तो ग्रेनरी या तो ग्रेनरी, मतलब एक ये चारों में से किसी कोई ना कोई अलग अलग ऑप्शन में यूज होता था। एंड अदर, एंड जो अदर था यही अदर वॉज माइट हैव बीन, यही अदर माइट हैव बीन यूज, अदर माइट हैव बीन यूज। और जो दूसरा बिलिंग था वो दूसरा बिलिंग यूज टू एकोमोडेट सोल्जर, टू एकोमोडेट बोलो टू एकोमोडेट सोल्जर, टू एकोमोडेट सोल्जर। आया समझ में? टू एकोमोडेट डबल एम आएगा, टू एकोमोडेट सोल्जर। क्या नहीं समझ में आता ऐसा लिखो कि ट्वेंटी बैरक ऑफ ट्वेंटी बैरक्स ऑफ सोल्जर वर फाउंड, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो ये पूरा टॉपिक है आपका मोहेजो दरो का। किसका टॉपिक है बोलो? पूरा मोहेजो दरो। उसके बाद आएगा दूसरा हरप्पा। दूसरा कौन आएगा? हरप्पा। बाद में एक आएगा धोलावीरा, बाद में एक आएगा लोथल वहां पे, और उसके बाद एक टाउन प्लानिंग के बारे में आएगा थोड़ा सा। इसके बाद आएगा नंबर अपना ये मोहेंजोदड़ो के बारे में थी। मोहेंजोदड़ो में पांच चीजें थी, कौन सी? एक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, एक ड्रेनेज सिस्टम, एक आएगा रोड्स, एक आएगा पब्लिक बाथ, और एक आया पब्लिक बिल्डिंग। नाउ एक के बाद बी आएगा हरप्पा। एक के बाद बी कौन आएगा? हरप्पा। तो भाई हरप्पा की स्टोरी क्या है? वही अपने दयाराम सहारी, उन्होंने एक्सकेवेशन किया था खुदाई अंडर द गाइडेंस या लीडरशिप ऑफ एक तेल सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके। इन दोनों के लीडर में इन्होंने क्या किया? दयाराम सहानी ने एक्सकेवेशन किया। कहाँ पे? पंजाब में मॉन्टगोमरी नाम का डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब में मॉन्टगोमरी, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हरप्पा है। तो खुदाई के दौरान इनको एक बड़ा सा शहर मिला था हरप्पा, और इसके बाद दूसरी अलग अलग जगह पे जो एक्सकेवेशन किया तो उनको काफी रिमेंस मिले ऑफ अवर इंडस वैली कल्चर। इंडस वैली कल्चर याद आया? उसके काफी अवशेष अपने को, रिमेंस मतलब अवशेष मतलब बची कुची चीजें मिली थी। तो दयाराम सहानी ने एक्सकेवेशन किया, बट लीडरशिप बोलो किनकी थी? सर जॉन मार्शल। तो ध्यान से देखो, इन 1921 दयाराम सहानी, क्या नाम था? यही दयाराम सहानी कैरिड आउट बोलो कौन सा वर्क? कैरिड आउट एक्सकेवेशन वर्क, एक्सकेवेशन वर्क अंडर द लीडरशिप या अंडर द गाइडेंस ऑफ बोलो, अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल एंड कोलोनल बोलो एंड कोलोनल मैके। एक थे सर जॉन मार्शल और दूसरे थे बोलो कोलोनल मार्के मार्स कोलोनल मैके। एंड दस रिमेंस मिले अपने को, मतलब बची कुछ चीजें मिली। एंशियंट रिमेंस ऑफ कौन सा कल्चर? ऑफ इंडस वैली कल्चर, ऑफ इंडस वैली कल्चर वॉज फाउंड खुदाई के दौरान रिमेंस मिले, मतलब बची कुची चीजें उनको मिली। फ्रॉम कहाँ से? मॉन्टगोमरी। क्या नाम? नाम याद रखना पड़ेगा। क्या नाम? मॉन्टगोमरी। मॉन्टगोमरी
इन पंजाब, मॉन्टगोमरी है, मॉन्टगोमरी इन पंजाब नियर यहाँ पे फाउंड एट कहाँ पे हड़प्पा, एक मिनट एक मिनट, रिमेंस मिले कहाँ पे मिले बोलो, रिमेंस वॉज फाउंड फ्रॉम हड़प्पा, फ्रॉम हड़प्पा इन मॉन्टगोमरी बोलो, इन मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट, मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट इन बोलो पंजाब, इन पंजाब मतलब हड़प्पा सिटी का नाम था, मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट था और पंजाब स्टेट, वहां पे खुदाई के दौरान इनको ये रिमेंस मतलब बच्ची कुछ चीजें मिली, पता चला कौन से कल्चर का, इंडस वैली। इसके अलावा इंडस वैली के दूसरे रिमेंस, बिसाइड दिस वेरियस रिमेंस ऑफ इंडस वैली, ऑफ इंडस वैली वर फाउंड फ्रॉम, वर फाउंड फ्रॉम कौन सी जगह पे मिले, हर एक के आपको नाम भी याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला रापर इन हिमालयन रीजियन, रापर इन कौन सा रीजियन, हिमालयन रीजियन, रापर इन हिमालयन रीजियन आलमगीरपुर, दूसरा आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश, कहाँ पे उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पे कालीबंगन इन राजस्थान, टेराकोटा आएगा लेसन नंबर टू में, एक आएगा टेराकोटा, तो ये थर्ड नंबर पे कालीबंगन, कालीबंगन इन कहाँ पे बोलो, कालीबंगन इन राजस्थान, कालीबंगन इन राजस्थान, बाद में लोथल ये भी पीछे पढ़ने में आएगा, लोथल एट धोलका इन गुजरात, लोथल एट धोलका इन गुजरात, बाद में आएगा देसलपुर और शिखरपुर, देसलपुर क्या नाम, देसलपुर क्या नाम, देसलपुर और शिकारपुर, और शिकारपुर, शिकारपुर के दोनों कहाँ पे, इन कच्छ, इन कहाँ पे बोलो, इन कच्छ, बाद में रंगपुर, दूसरा एक रिमेंस मिला रंगपुर नियर लिमडी, रंगपुर नियर लिमडी क्या नाम, रंगपुर नियर लिमडी इन सौराष्ट्र, लिमडी इन सौराष्ट्र, लास्ट आएगा इसके बाद श्रीनाथगढ़, श्रीनाथगढ़, श्रीनाथगढ़ क्या नाम, श्रीनाथगढ़ नियर गोंडल, नियर गोंडल रह गया, कुंतासी वाला रह गया नियर गोंडल, और एक आएगा कुंतासी नियर मोरबी, कुंतासी नियर मोरबी, ये सब जगह पे भी रिमेंस मिले, ये सब जगह पे क्या मिले, रिमेंस और विच कल्चर, इंडस वैली कल्चर, इंडस वैली कल्चर, रापर एट हिमालय रीजन, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, कालीबंगन राजस्थान, लोथल एट धोलका इन गुजरात, देसलपुर एंड शिकारपुर इन कच्छ, रंगपुर नियर लिमडी इन सौराष्ट्र, सेनागढ़ नियर गोंडल एंड कुंतासी नियर, कुंतासी नियर मोरबी, ये सब जगह पे क्या मिले, रिमेंस, रिमेंस ऑफ समझ में आया इंडस वैली कल्चर। पर सबसे पहला हड़प्पा में जो मिला, हड़प्पा जगह पे जो मिला वो था मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब, मतलब पंजाब के मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट मतलब जिले में हड़प्पा नाम की जगह थी, वहाँ पे ड्यूरिंग एक्सकेवेशन किसने किया, दयाराम साहनी अंडर द लीडरशिप ऑफ कॉलोनल मैके और सर जॉन मार्शल। तो ये है आपका नंबर बी, क्या नाम दिया गया है, नंबर बी हड़प्पा, क्या नाम है, हड़प्पा, ये पता चला। इसके बाद आएगा धोलावीरा, हड़प्पा के बाद आएगा धोलावीरा, ये भी बहुत इजी है,
नंबर सी आएगा धोलावीरा। क्या नाम? धोलावीरा। बचाओ सुने, कच्छ में बचाओ, तो कच्छ में बचाओ दूसरी एक जगह है खदीर बेट, वहां से 2 किलोमीटर मतलब जो बचाओ है वही कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर धोलावीरा जो है वो धोलावीरा जगह से 2 किलोमीटर की दूरी पे रिमेन्स मिले थे, इसलिए धोलावीरा। धोलावीरा से 2 किलोमीटर की दूरी पे रिमेन्स मिले थे बचाओ डिस्ट्रिक्ट में। बचाओ डिस्ट्रिक्ट जो 140 किलोमीटर अवे फ्रॉम भुज, 140 किलोमीटर अवे फ्रॉम भुज। और इसमें जो एक्सकेवेशन किया वो थे रविंद्र सिंह बिस्त, रविंद्र सिंह बिस्त, इनके अंडर में ये रिमेन्स मिले थे, इन्होंने खुदाई की थी, रविंद्र सिंह बिस्त ने। तो ध्यान से देखो, इन 1990 में अंडर द लीडरशिप आया गाइडेंस, अंडर द गाइडेंस या तो लीडरशिप ऑफ रविंद्र सिंह बिस्त, रविंद्र सिंह बिस्त, रविंद्र सिंह बोलो बिस्त, क्या मिला? रिमेन्स, वेरियस रिमेन्स, वेरियस रिमेन्स वर फाउंड 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम बोलो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम, 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम धोलावीरा, 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम धोलावीरा एंड 140 किलोमीटर अवे फ्रॉम भुज, 140 किलोमीटर अवे फ्रॉम भुज, अवे फ्रॉम 140 किलोमीटर अवे फ्रॉम बोलो भुज, इन भुज 140 किलोमीटर अवे फ्रॉम भुज, एक मिला 140 किलोमीटर अवे फ्रॉम भुज, क्या मिले? रिमेन्स मिले इन बचाओ तालुका डिस्ट्रिक्ट भुज, तालुका बचाओ, गांव धोलावीरा और वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पे रिमेन्स मिले भुज। क्या नाम है? भुज। अभी जो रिमेन्स मिले उसमें सबसे ज्यादा क्या मिला? पैलेस और वॉल, मतलब वॉल्स और पैलेसेस। तो यही जो रिमेन्स मिले कहाँ पे भाई? धोलावीरा में। तो पैलेसेस ड्यूरिंग एक्सकेवेशन मतलब खुदाई के दौरान क्या मिला? ड्यूरिंग एक्सकेवेशन मतलब खुदाई के दौरान, एक तो पैलेसेस एंड बोलो एंड वॉल, कौन सी दो चीजें मेन मिली? पैलेसेस एंड वॉल ऑफ टाउन, ऑफ टाउन वर बोलो वर डिस्कवर, ड्यूरिंग एक्सकवर फाउंड, ये दोनों चीजें मिली ड्यूरिंग एक्सकेवेशन खुदाई के दौरान, ये दो चीजें मिली जिसमें ये जो वॉल थी इनकी, आउट ऑफ विच ये जो वॉल थी, द वॉल्स ऑफ धोलावीरा, द वॉल्स ऑफ धोलावीरा, इसमें से जो वॉल थी धोलावीरा की, हे वॉल्स ऑफ धोलावीरा इज मेड ऑफ क्ले, किसमें से बनी थी? इज मेड ऑफ क्ले स्टोन, क्ले मतलब मिट्टी, स्टोन्स क्ले, स्टोन्स क्ले और स्टोन्स, और दूसरा ब्रिक्स, तीसरी चीज ब्रिक्स, क्ले स्टोन एंड ब्रिक्स इससे मिली थी वहां पे। दूसरा वहां पे फैसिलिटी थी अरेंजमेंट था ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, तो यहाँ पे पीने का जो पानी मतलब पोर्टेबल वाटर, कौन सा वाटर? तो यही पोर्टेबल वाटर वॉज अवेलेबल हियर, वॉज अवेलेबल हियर, मतलब क्या मिला? पोर्टेबल वाटर मतलब पीने का पानी मिला, एज वेल एज अ प्रॉपर सिस्टम, एज वेल एज अ प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम, एक तो पीने का पानी मिला एंड एज वेल एज अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन, ऑफ अ वाटर प्योरिफिकेशन,
वाटर प्योरिफिकेशन, ये दोनों फैसिलिटी वहां पे मिली। कहां पे बोलो? इंदोला फीरा नंबर सी, और डी आएगा इसके बाद लोथल, इसके बाद डी आएगा लोथल। क्या नाम? लोथल। यही जो लोथल है, यही लोथल कहां पे है? तो यही लोथल वह सिचुएटेड अहमदाबाद, सुना है? अहमदाबाद के धोलका तालुका में लोथल है। वहां पे बड़ा से दो क्या इन्होंने बनाया था, थ्री लेयर ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन, मतलब तीन लेयर वाला ह्यूमन हैबिटेशन वहां पे मिला। दो रिवर के बीच में लोथल है। अब डोकियार मिला, इसका मीनिंग क्या हुआ? ये लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते होंगे। तो यही लोथल वॉज सिट्यूएटेड, यही लोथल वॉज सिट्यूएटेड इन धोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद। कौन सा तालुका? इन धोलका तालुका। अब बोलो इन धोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद, यही इट वॉज सिचुएटेड, इट इज सिचुएटेड बिटवीन टू रिवर्स। कितनी रिवर्स? दो रिवर के बीच में, सिचुएटेड बिटवीन टू रिवर्स, दो रिवर के बीच में थे लोथल। एक था भोगावो, रिवर का नाम है भोगावो, और दूसरी रिवर साबरमती, अहमदाबाद की सुनी होगी आपने। तो दूसरी रिवर कौन सी? अहमदाबाद की साबरमती, और ये है, इट इज 18 किलोमीटर अवे, 18 किलोमीटर की दूरी पे है। 18 किलोमीटर अब ये मतलब 18 किलोमीटर की दूरी पे है फ्रॉम, बोलो बे ऑफ खंबात, फ्रॉम बे ऑफ या गल्फ बोलो, फ्रॉम गल्फ ऑफ खंबात, मतलब गल्फ ऑफ खंबात से कितनी दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी पे, 18 किलोमीटर की दूरी पे। वहां से क्या मिला था? सबसे पहले तो थ्री लेयर्स ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन, थ्री लेयर्स ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन, थ्री लेयर्स ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन वर फाउंड, बोलो वॉज फाउंड फ्रॉम लोथल। तीन लेयर वाला ह्यूमन क्या मिला? ह्यूमन हैबिटेशन। बाद में डोकयार्ड मिला, क्या बोला? तो वहां पे डोकयार्ड जो कंस्ट्रक्ट था, यूज डोकयार्ड, डोकयार्ड सुना है? जहाज शिप खड़े रहते वो, तो यूज डोकयार्ड वॉज कंस्ट्रक्टेड, वॉज बोलो वॉज कंस्ट्रक्टेड इन लोथल, इन लोथल टू फैसिलिएट, क्यों ये लोग डोकयार्ड बनाते थे, समझ में आया? टू फैसिलिएट शिप्स इन द टाइम ऑफ टाइड, समझ में आता टाइड? तो लोग डोकयार्ड बनाते थे, डोकयार्ड वॉज कंस्ट्रक्टेड इन लोथल टू फैसिलिएट शिप एट द टाइम ऑफ, बोलो एट द टाइम ऑफ हाई टाइड, जब समंदर में हाई टाइड आती थी, तो उसके अगेंस्ट में शिप को बचाने के लिए लोग क्या बनाते थे? डोकयार्ड बनाते थे। एंड इट इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है बोलो? इट इंडिकेट करता है दैट द पीपल ऑफ, बोलो कहाँ के? दैट द पीपल ऑफ लोथल माइट हैव बीन कैरिड आउट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, वो लोग शायद क्या करते होंगे? कैरिड आउट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मतलब लोथल के लोग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते होंगे, लोथल के लोग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते होंगे ऐसा माना जाता है। और दूसरा, यहाँ के लोग, अब सोचो डोकयार्ड उस जमाने में सिर्फ, तो यहाँ के लोग मे बी पॉसिबल के रिच होंगे, पता चला? पीपल ऑफ बोलो, यही डोकयार्ड इंडिकेट, समझ में आता है? डोकयार्ड जैन सिर्फ, डोकयार्ड भी बनाया वहां पे, सिर्फ भी है, डोकयार्ड जैन सिर्फ इंडिकेट दैट, क्या इंडिकेट करते हैं? दैट पीपल ऑफ बोलो, दैट पीपल ऑफ लोथल, पीपल ऑफ बोलो, यही पीपल ऑफ लोथल माइट हैव बीन रिच एंड प्रॉस्परस, मतलब वो पैसे वाले लोग शायद होंगे। कौन? पीपल ऑफ लोथल। और इसके बाद लास्ट आएगा
यहाँ पे आपका लेशन करता हूँ, लास्ट आएगा एंशियंट इंडियन टाउन प्लानिंग, नंबर ई, डी के बाद आएगा नंबर ई, एंशियंट इंडियन टाउन प्लानिंग, एंशियंट इंडियन टाउन प्लानिंग। भाई खुले के दौरान बड़ा सा एक टाउन मिला था जो तीन सेक्शन में बटा था, एक था रूलर्स ऑफ सिटाडेल, सिटाडेल मतलब राजा लोगों का महल, दूसरा अपर हाउस था स्पेशली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, और लोअर हाउस था कॉमन पीपल के लिए, उसमें अपर वाले पे फोर्ट था, रूम्स भी थे, और लोअर वाले जो मकान होते थे हाउस वो ब्रिक्स में से बनाते थे, ब्रिक्स मतलब इंट में से बनाते थे। यही है एंशियंट, बोलो एंशियंट इंडियन टाउन प्लानिंग, एंशियंट इंडियन टाउन प्लानिंग। एक्सकेवेशन के दौरान क्या मिला पता चला, मैंने बोलो ड्यूरिंग एक्सकेवेशन मतलब खुदाई के दौरान, तो ड्यूरिंग एक्सकेवेशन मैनी टाउन्स वर फाउंड एंड इट डिवाइडेड इंटू, बोलो एंड इट डिवाइडेड इंटू, दे डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, कितने, दे डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, कितने पार्ट्स में थे, तीन। सबसे पहला पता चला, सबसे पहला फोर्ट ऑफ रूलर, राजा का किला, और सब रूलर्स बोलते हैं सिटाडेल, सिटाडेल मतलब राजा का महल, समझ में आया, राजा का महल। दूसरे नंबर पे हाउस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, हाउस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के हाउस, ऑन बोलो अपर पार्ट, ऑन अपर पार्ट ऊपर वाले पार्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के हाउस, और तीसरा हाउस ऑफ कॉमन पीपल, हाउस ऑफ कॉमन पीपल ऑन लोअर पार्ट, ऑन लोअर पार्ट ऑफ अ टाउन। तो ऐसे तीन भाग में था, अब इसमें क्या था, ये जो अपर पार्ट था उसके सराउंड में फोर्ट मतलब किला था, तो फोर्ट कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस, बोलो सराउंडिंग, फोर्ट कंस्ट्रक्टेड। तो यही रूलर का जो फोर्ट था, यही फोर्ट्स, अब किसका किला, राजा का, यही फोर्ट्स, अब बोलो फोर्ट्स, फोर्ट ऑफ रूलर्स, फोर्ट ऑफ रूलर्स वर कंस्ट्रक्टेड, वो लोअर में होगा कपर में राजा के महल, बोलो कंस्ट्रक्टेड ऑन द अपर पार्ट, कंस्ट्रक्टेड ऑन द अपर पार्ट। तो अपर पार्ट में क्या बनाते थे लोग, राजा का किला, राजा का किला। दूसरा जो राजा का किला बनाते थे, एंड इट हैड 2 to 5 रूम्स, जिसमें 2 से 5 रूम थे, इट हैड 2 to 5 रूम्स मतलब अपर हाउस में ज्यादातर जो हाउस मतलब मकान थे वो 2 से 5 रूम वाले थे, 2 स्टोरेज 2 स्टोरेज और 2 to 5 रूम्स, 2 माले के और 2 से 5 रूम वाले, ये अपर हाउस में ऐसे मकान थे। और हाउस ऑफ लोअर पार्ट जो नीचे वाले लोगों के मकान थे, हाउस ऑफ लोअर पार्ट मतलब लोअर पार्ट में जो लोग रहते हैं उनके जो मकान थे, यही मकान वर कंस्ट्रक्टेड और कंस्ट्रक्टेड मेनली हैंडमेड ब्रिक्स, मेनली हैंडमेड ब्रिक्स मतलब हाथों से बनाई हुई ईंटों के, ईंट समझ में आता है, तो हाथों से बनाई हुई ईंट के वो मकान थे, ऐसा वो इंडिकेट, ऐसा ये लोग इंडिकेट कर रहे है। इसी का नाम है एंशियंट इंडियन टाउन प्लानिंग। और ऐसा टाउन प्लानिंग मिला था धोलावीरा में, जहाँ पे बीड मिला था, सेल मिले थे, बीड बीड मोती सेल, ये सब चीजें काफी मिली थी, पता चला। स्कल्पचर आर्किटेक्चर का मीनिंग पता चला, वास्तु, वास्तु वर्ड यूज होता है स्पेशली फॉर आर्किटेक्चर। स्कल्पचर का मीनिंग पता चला, जो एक्सप्रेशन उसमें है वो क्या करेगा, कार्व बाय यूजिंग अ चीजल एंड हैमर, चीजल एंड हैमर, हैमर हथौड़ी, और चीजल मतलब छीननी बोलते हैं, उससे जो कार्व करेगा टू एक्सप्रेस ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस
और आर्किटेक्चर का मीनिंग टू कंस्ट्रक्ट हाउस फोर्ट कुछ भी बनाओ बाय यूजिंग ब्रिक सीमेंट ने सब, मतलब उस जमाने में सीमेंट नहीं थे अर्लियर के टाइम पे, बाद में आया। तो यही आपका मेन लेसन है, एक्सेप्ट हेरिटेज ऑफ गुजरात। हेरिटेज ऑफ गुजरात अलग आएगा, और पूरा चार ए पूरा फोर एज का चल रहा है, समझ में आया। एक वैदिक आएगा, सेकंड फर्स्ट सेकंड मौर्यन, थर्ड गुप्ता एंड फोर्थ मेडिवल। पूरा गुजरात का मैं आपको सातवें लेसन के एक साथ में बताने वाला हूँ इस खत्म होने के बाद। उसमें कुछ नहीं है, लेसन नंबर थर्ड में देखना घर जाके, लेसन नंबर सिक्स में देखो, तो दोनों में मिक्स है। आप घर जाके मतलब घर पे चेक कर सकते हो, है बहुत इजी पर मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको अलग रखा है। पता चला तो ये आपका लेसन नंबर थ्री यहाँ पे कंप्लीट। इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस ऑन लेसन नंबर टू। लेसन नंबर टू इज दैट क्लियर? ओके।